तो ये बिकी हुई गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया जो भी कहे, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि इस चुनाव में, उपचुनाव में सरकार ने कितना नंगा नाच किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। समाजवादी पार्टी को लेकर जो है आज जो नेताजी का आज जयंती मनाया गया, आज हम बात करेंगे सलेमपुर के जो सांसद है हमारे सामने है, इनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आज? देश में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद जी कोई दूसरे नाम को नेताजी के नाम से जाना गया, वह नाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का था। और आज पूरा देश और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना तन मन और धन लगा करके नेताजी का जन्मदिन मनाया है। यहाँ मईल चौराहे पर हमारे साथी जो हमारे पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र सोलंकी जी, हरिराम आर्या जी, राम प्रकाश मुन्ना यादव जी, सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया है। यह नेताजी के प्रति इनकी गहरी आस्था है, यह इसलिए इन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराया है। और नेताजी के लिए ये नौजवान अपना तन मन धन सब कुछ देने को तैयार है। आज देखा जाए तो यूपी के उपचुनाव को लेकर काफी चर्चा में भी है, और 9 सीटों को लेकर क्या बताना चाहेंगे जो अभी हाल ही में मतदान हुए हैं? लोकतंत्र पर बदनुमा दाग जी, 9 विधानसभा के चुनाव में लगा है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव का मैदान छोड़ चुकी थी। उसके अधिकारी खुद वोट न पड़े इसका इंतजाम करने लगे। आपको जानकर ताजुब होगा कि पहली बार देखा गया है कि पुलिस वाला आईडी चेक कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने 18 ऑप्शन दिया है कि आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप वोट करो। निर्वाचन आयोग कहता है कि लोग वोट करें, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वोट मत करो, तुम्हें वोट ही नहीं डालने दूंगा। तो यह लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा है, और उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी इनका ईंट से ईंट बजा देगी, और काफी संभावना है कि हम 4 विधायक थे हमारे, लेकिन उससे अच्छा करेंगे। नहीं, एक आरोप यह लग रहा था कि अखिलेश जी का जो वहां पे देखा गया विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया पालती है जी, और मीडिया वालों को महिला दरोगा को रिवाल्वर ताने नहीं दिखाया जी। मीडिया वालों ने सिपाही दरोगा द्वारा आईडी चेक करना नहीं दिखाया, लेकिन उसको सपा की लोगों का विरोध दिख गया। तो ये बिकी हुई गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया जो भी कहे, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि इस चुनाव में, उपचुनाव में सरकार ने कितना नंगा नाच किया है। जिलाधिकारी, कप्तान, थानेदार, सीओ, सीडीओ सबको इतना दबाव था, प्रधान सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सबको इतना दबाव था कि तुम किसी तरह से समाज सपा समर्पित वोट मत डालने दो। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर बैठ करके और लोगों को भाजपा विरोधी मत को रोक रहे थे। ये भी एक बयान है कि बटेंगे, इस बयान से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां जीत हासिल कर रही है, इससे जो है काफी खुलासे किए जा रहा है। न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए वाले डटेंगे डटेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। अच्छा, अब पीडीए डट गया है, वो न कटेगा न बटेगा, न कटेगा और बटेगा का नारा देने वाले अब खत्म हो जाएंगे।